पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गुल मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। असेंबली टूटी, अगले दिन वो फैसला सुना दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाबले कबूल है, ये जमहूरियत को और आइन को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। ये मुल्क के अंदर जो एक नई बहस को इसको शुरू कर दिया गया है, मैं इसकी जो है ये इसको अवाम जो है और इसको कदर की निगाह से नहीं देखते, इसीलिए इसके बाद है अब हल्का बंदियों का मामला, क्योंकि 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। जो डिले है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि कोई नई बहस ना छेड़ी जाए और 90 दिन में इलेक्शन का, साफ शफाफ इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए। मुल्क के अंदर नई हल्का बंदियां जो हैं वो फौरी तौर पर की जाएं अगर जहां पे जरूरत है, और उसके बाद साथ ही उनको जो हमारी लिस्टें होती हैं उनको जो है वो जल्दी तौर पर उनको उस पर जो है वो उनकी हदबंदी की जाए, ताकि इलेक्शन डिले ना हो। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मुल्क के अंदर 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद मुल्क के अंदर पहली दफा जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से एक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पास करके दूसरी हुकूमत बनी। ये भी एक मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात हुई। खराज तहसीन है इस बात पे पार्लियामेंट को। दूसरी बात यह है कि जो गुनौना जुर्म किया गया इमरान खान उसकी पार्टी ने 9 मई का, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक साजिश थी।